झूठ नहीं बोल रहा हूं। अंबिका मरी नहीं, अंबिका जिंदा है। कोई सबूत है आपके पास? सबूत है? सबूत नहीं है मेरे पास। आप कौ की तौहीन कर रहे हैं और मैंने आप पर कार्रवाई इसलिए नहीं की क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि आप जज्बाती हो रहे हैं। अदालत अपना फैसला सुना चुकी है। नहीं, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मीठी को फांसी की सजा दी जाती है। मुबारक हो बेटा, आज कोर्ट ने मीठी को फांसी की सजा सुना दी। कलेजे को ठंडक मिली। वो तो है बेटा, पर बेटा आज गड़बड़ हो जाती। पकड़ी जाती तुम? आकाश ने तुम्हें कोर्ट में देख लिया था और वो तो आके जज साहब को बता रहा था कि अंबिका जिंदा है। जो सुनेगा सोचेगा आकाश पागल हो गया। सबूत कहाँ है उसके पास? वो तो है बेटा, लेकिन अगले 2-3 दिन तुम सतर्क रहना। जब तक मीठी को फांसी की सजा नहीं मिल जाती तब तक तुम किसी को दिखाई मत देना बेटा। उत्तेजना में कोई गलती मत करना बेटा, फिर भी सतर्क रहना और किसी किस्म का सबूत अपने पीछे मत छोड़ना। अंबिका जिंदा है, फिर वो लाश किसकी थी? आपने कहा आकाश को सब पता था, वो जानता था अंबिका जिंदा है, उसके बावजूद भी उसने ये बात छुपाए रखी। वो कोर्ट में ये बात कहता तो अदालत अपना फैसला बदल सकती थी, क्यों नहीं कही? बेटे, अगर हमारे पास सबूत होता तो शायद हम मिट्टी को बचा पाते। अफसोस इस बात का है कि हम मिट्टी को नहीं बचा। जिंदा रहना जैसे सजा हो गया हमारे लिए। क्या जवाब देंगे हम भाभी को? कैसे बता सकेंगे उसे मीठी को क्या सजा मिली? कैसे बता सकेंगे हम? साहब, आप आ गए? मैंने आपसे कहा था कि मैं आना चाहती हूँ, फिर भी आप कोर्ट अकेले चले गए। क्या हुआ कोर्ट में? मीठी मीठी रिहा हो गई ना साहब? आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप बोलिए ना, मीठी को जमानत तो मिल गई है ना? मिल जाएगी। सामने आज केस का पहला दिन था ना, अब ये कार्रवाई कुछ दिन चलेगा, तुम चिंता मत करो। दामिनी, बहुत दिन चलेगी? हाँ, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी व्यर्थ नहीं जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, है ना? व्यर्थ नहीं जाएगी मतलब? आप पहेलियों में क्यों बातें कर रहे हैं? हाँ, आप साफ साफ बताइए ना, अदालत ने क्या फैसला दिया है, मैं जानना चाहती हूँ। दामिनी, हमने कहा ना, मेरी की सुनवाई का पहला दिन था आज, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। साथ दे या ना दे, मीठी बात आएगी, रिहा हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। हो जाएगी ना? हाँ, बिल्कुल। हाँ, पर सब कोर्ट ने क्या, अदालत ने क्या हो जाएगी? देखिए, तुम एक काम करो, तुम दामिनी को अंदर ले जाओ, तुम कुछ देर आराम करो दामिनी। हाँ, हम बताएंगे तो तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा ना, तुम आराम करो। समझते पा रहे दामिनी को कैसे कह के मीठी को सजाए मौत हो गई? ये क्या कह रहे हैं? और ऐसे कैसे कह सकते हैं कि अपील करने का कोई फायदा नहीं? मतलब आपके हिसाब से एक बेगुनाह इंसान जिसने कोई जुर्म नहीं किया उसे फांसी चढ़ने दे? अंबिका जिंदा है, ये बात समझने की कोशिश कीजिए आप। हाँ वकील साहब, अंबिका जिंदा है और अंबिका ने ही आकाश को फोर्स किया है डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए। मिला था मैं उससे,
और उसने मुझे कहा था कि डिवोर्स पेपर्स मिलने के बाद वो कोर्ट आएगी और ये बात साबित कर देगी कि वो जिंदा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको हेलुसिनेशंस हो रहे हो? ऐसा होता है, जी हाँ, ऐसा होता है कि जब कोई चीज हमारे सामने नहीं होती है फिर भी वो हमें नजर आने लगती है। आप समझ रहे हैं ना? भ्रम? कहीं आपको भ्रम तो नहीं? मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ। अब दो लोगों को एक साथ भ्रम कैसे हो सकता है? हम दोनों ने अंबिका को देखा है। ओके, मैं आपकी बात मान लेता हूं, आपको कोई भ्रम नहीं हुआ। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जब आपको पता था कि अंबिका जिंदा है तो फिर आपने उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करवा दिया? कैसे करवाया? हर जगह तो अंबिका के आदमी घूम रहे। पुलिस स्टेशन जाओ तो उसके आदमी घूम रहे, क्योंकि एसीपी की बेटी। जब अंबिका से मिला था ना तो उसके आसपास गुंडों ने मेरे सर पे बंदूक ताने खड़े थे। देखिए, मैं मरने से नहीं डरता, मैं बस ये चाहता था कि अंबिका को डिवोर्स पेपर्स मिल जाए और वो कोर्ट आके ये साबित कर देगी कि वो जिंदा है। आकाश जी, अरे कौन विश्वास करेगा आपकी बात पे? मुझे तो समझ में नहीं आता है कि जब आपको मालूम था कि अंबिका जिंदा है और कोर्ट में मौजूद है तो आपने उसको कोर्ट को गुमराह करने के जुर्म में उसको वहीं क्यों नहीं गिरफ्तार करवाया? सारी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती, हम केस जीत सकते थे, मीठी जी को हम बेगुनाह साबित वहीं कर देते, अंबिका को गिरफ्तार करवा देते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, क्यों आकाश जी, क्यों? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम उसकी बातों में कैसे आ गए। विष्णु, उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरे लिए बस ये जरूरी था कि मीठी रिया हो जाए, इसीलिए अंबिका ने जो कहा उसकी हर शर्त मानने को तैयार हो गया मैं। बस वकील साहब, अब कोई ना कोई तो रास्ता होगा ना जिससे हम ये साबित कर सके कि मीठी बेकसूर है और अंबिका जिंदा है। वकील साहब, कोई ना कोई रास्ता ढूंढिए प्लीज। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं। ज्यादा से ज्यादा हम राष्ट्रपति जी से दया की अपील कर सकते हैं, हालांकि हमारे पास मीठी के निर्दोष होने का कोई सबूत नहीं। वकील साहब, वक्त, थोड़ा सा ज्यादा वक्त तो मिल सकता है ना? जी नहीं, अब ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। देखें तो सब है क्या, सामने से गाड़ी आ रही है। अब ठीक तो है? सात दिन हो गए, पता नहीं कैसे होगी सारी का। सब कुछ ठीक है ना? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। एक हफ्ते से मेरी भी गायब है। रोज पुलिस स्टेशन जाता हूँ पर मेरी कोई मदद नहीं करता। अरे ये बेचारा यहाँ पोस्टर लगा रहा है कि बीबी वहाँ ऐश कर रही होगी। ऐश? कैसी घटिया बात कर रहे आप? ये बेचारा अपनी पत्नी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और आप ऐसी बात कर रहे हैं?
तोहफा है मेरी तरफ से। हे भगवान, इसका मतलब ना ही वो घड़ी अंबिका की थी और ना ही वो लाश। वो घड़ी का घड़ी, वो गोल्डन घड़ी जो आपने हमें कल दिखाई थी और जिसे हमने नोट भी किया था। देखिए, अगर गोल्डन कलर की कोई घड़ी होती तो यहाँ पे आपको दिखाई देती, और वैसे भी ये क्रिमिनल केस है, हम पुलिस वालों को सबूत छुपाने की आदत नहीं होती है। तभी पुलिस वालों ने उस घड़ी को गायब कर दिया और कोई इसे बता नहीं रहा कि इसकी पत्नी कहाँ है। मतलब चौबे के साथ सारे पुलिस वाले मिले हुए हैं, लेकिन इसे क्या कहूं मैं, कैसे बताऊं कि सच क्या है। साहब, आपने बहुत अच्छा काम किया। वैसे आजकल कानून की मदद करता कौन है साहब? उसको फांसी की सजा तो होनी है साहब, ऐसे लोगों को तो जिंदा रहने का कोई हक ही नहीं है साहब। सॉरी साहब। मिस्टर राठौर, आप जानते हैं ना मीठी को क्या सजा मिली है? जानता हूं। आप कुछ बोलेंगे नहीं? कह दीजिए, बताइए मुझे मैं कितना बुरा हूं, कितना बुरा, कितना गलत काम किया मैंने। एहसास दिलवाइए कम से कम कि मैंने इच्छा जी की बेटी को फांसी दिलवा दी। हम आपका दर्द, आपकी तकलीफें समझते हैं, कोई और समझे नहीं समझे। प्लीज समझिए, प्लीज विश्वास कीजिए मुझ पर। दुनिया में मुझसे ज्यादा ये बात कोई नहीं चाहता कि मैं झूठा साबित हो जाऊं, ये बयान गलत साबित हो जाए और मीठी ये सब अभी हो सकता है। आपके अदालत से निकल जाने के बाद वहाँ बहुत कुछ हुआ है जो आप नहीं जानते। पापा ने हमें आके घर पर बताया। आकाश ने अंबिका को देखा, वो उससे मिल चुका है। मुक्ता ने भी अंबिका को देखा है। अंबिका मरी नहीं है, वो जिंदा है। डिवोर्स के पेपर्स पर साइन करना, तलाक देना, ये सब अंबिका का किया धरा है। संभालिए अपने आप को, संभालिए। हम समझते हैं आपको, आपकी तकलीफ को, आपके दर्द को। कोई विश्वास करे या ना करे, हमें आप पर पूरा विश्वास है। हम जानते हैं आपने कभी गलत का साथ नहीं दिया है, और ना आज देंगे, और ना कभी होने देंगे। मीठी बेकसूर है। आकाश ने जज साहब को बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा है कि बगैर कोई सबूत वो अपना फैसला नहीं बदल सकते, और उसके लिए अंबिका को पुलिस वालों के सामने खड़ा करना बहुत जरूरी है। प्लीज कुछ कीजिए, भगवान ने एक और मौका दिया है हमें मीठी को बचाने का, उसे हम नहीं खो सकते। आप ही को कुछ करना होगा। एंड आई ट्रस्ट यू। हम जानते हैं आप अंबिका को ढूंढ लेंगे, हमें पूरा विश्वास है आप पर। हमें अभी घर जाना होगा, घर में सब तनाव में है। शाम को मिलने आएंगे आपसे, अपना ख्याल रखिएगा।
जानते हैं। वक्त बहुत कम है, चलते हैं, शाम को मिलेंगे। छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे, अरे छोड़िए मुझे, झूठ बोल रहे हैं आप, सब झूठ बोल रहे हैं। मुझे पता है कि आपको लाश मिली है और ये बात आपने मुझसे छुपाई। मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, जब तक मेरी बीवी का पता नहीं चलेगा मैं नहीं जाऊंगा। अरे देखिए ना साहब, फिर से चला आया है। अब इसकी पति की लाश क्या हम लोग छुपा के रखेंगे यहाँ पे? देखिए हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे भी खबर मिलेगी आपको फोन आ जाएगा। भेलवाल ने बोला कि आपको लाश मिली है साहब। अरे अरे सुन, जो कुछ भी पता चलेगा तुझे फोन से बता दिया जाएगा, समझ में आया? अब जाए और मुझे काम करने दे, बहुत सारे काम पड़े हैं। पुलिस स्टेशन में खाली यही काम नहीं रह गया, चल निकल यहां से। अरे अपनी पत्नी की लाश ही तो मांग रहा हूँ ताकि उसका अंतिम संस्कार कर सकूं। इससे ज्यादा कर भी कह सकते हैं आप लोग, लेकिन यहाँ पे सब कामचोर और निकम्मे लोग भर पड़े हैं। क्या बोला तू? ये पत्नी आपको दी गई है इस देश के आम आदमी की रक्षा करने के लिए। अगर वो करने के बजाय उस पर हाथ उठाएंगे तो इस गलतफहमी में मत रहिए कि इस हाथ को रोकने वाला कोई नहीं है। अरे ये पागल आदमी है, पागल, रोज रोज अपनी बीबी की तस्वीर लेकर यहाँ चला आता है। अब इसकी बीबी किसी के साथ भाग गई है तो इसमें हम क्या करें? चुप, सरासर झूठ बोल रहे हैं। मेरी बीबी को ढूंढ नहीं रहे और मुझ पर इल्जाम लगा रहे। सब झूठ बोल रहे हैं, सब मेरे कोई मदद नहीं कर रहा। साहब मैं अपनी बीवी को कहाँ ढूंढूं? साहब मेरी कोई मदद नहीं करता। मैं रोज यहाँ पे आता हूँ, धक्के मार कर मुझे बाहर निकाल देते हैं साहब। कैसे मदद करूं आपकी? मदद, मदद तो इनको करनी चाहिए, पता करना तो दूर, मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं लोग। मेरी बीवी गायब है, मैं उसे दर दर ढूंढ रहा हूं, पोस्टर्स लगा रहा हूं उसके। आज मुझे फेल वाले ने बोला कि पुलिस को लाश मिली। अरे लाश मिली है तो मुझे बताते क्यों नहीं? क्यों छुपा रखा है मुझसे? कहां जाऊं, किसकी मदद लूं? सब के लिए बनवाई थी, उसके जन्मदिन पर खास उसके लिए।